विदिशा जिले के कुरवाई क्षेत्र की पूर्व विधायक पानबाई के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान कृषि विधेयक बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि विधेयक पारित किया गया है उसमें कई कमियां हैं। उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं है, जिससे किसानों में काफी रोष व्यक्त होगा। मंडियों को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। किसानों का व्यापारियों द्वारा शोषण करने के लिए छोड़ा जा रहा है। अनुबंधित खेती पर अनुबंध करने वाली कंपनियों की सरकार द्वारा कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। विदिशा कुरवाई से अन्नू कासिम के साथ आशीष सहले की रिपोर्ट। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ये सब इसलिए कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता ने जनाधार अगर किसी को दिया था तो वो कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी की सरकार को जनाधार दिया था, ये पूरा देश और पूरा विश्व जानता है। और नाजायज इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चंद लोग जय चंदों ने करोड़ों रुपए में अपने इस लोकतंत्र की हत्या करके इस देश के संविधान को ताक पर रखकर जनता के विश्वास को धोखा देकर अपने आप को जिस प्रकार से सब जो केंद्र सरकार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये सब लोग जानते हैं कि ये झूठ बोलने में अव्वल नंबर है। अभी तक जितने भी इन्होंने विधेयक या जितने भी कानून पारित किए हैं, ये सारे किसान हों या मजदूर हों या देश की जनता के हित में हैं, और ये सब लोग जानते हैं। आप लोगों ने देखा कि विकास की गंगा बहाने वाले विनाश की ओर ले जा रहे हैं। कोरोना महामारी में उन्होंने लोगों से ताली बजवाई, थालियाँ बजवाई, और आज ये हालात हैं कि जब 600 लोग कोरोना से महामारी से ग्रसित थे तब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, और आज लाखों लोग महामारी से ग्रसित थे और हजारों लोग मर रहे हैं तब ओपन छोड़ दिया। तो ऐसे प्रधानमंत्री का विधेयक जो है देश के हित में नहीं हो सकता है, और ये विधेयक निश्चित रूप से जिस केंद्र सरकार की कैबिनेट मंत्री जब इस्तीफा दे दे और उस विधेयक का विरोध कर दे तो ये मान्य होता है कि उसका जो है किसानों के हित में हो ही नहीं सकता। जो अभी अभी किसानों के विरुद्ध विधेयक बने हैं और वो पारित हो चुके, वो कानून बन चुके हैं, जिससे किसानों को बिल्कुल अपने खेतों पे अपने खेतों की मेड़ों का मजदूर बना दिया है। और भारत सरकार ने किसानों के ये इस तरह का कृत्य करके उद्योगपतियों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया है। इसके विरोध में हमने राष्ट्रपति जी के नाम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।